हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें खुद की सबसे ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएँ जो भी खाती हैं इसका सीधा असर उनके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए बच्चे की हेल्थ और तंदुरुस्ती के लिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अच्छी चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं। इन 3 महीने में मिसकैरेज का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पहली तिमाही में अपने खान पान को लेकर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कंसीव करने के बाद गर्भावस्था का 9 महीने का सफ़र बहुत ही नाजुक और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन 3 महीने में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंसीव करने के बाद अगर आप इन 3 महीनों में ये 8 चीज़ें खाती हैं तो इससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। अगर आपको जानना है कि वो 8 चीज़ें कौन सी हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ होती है एलोवेरा का जूस। ये हमेशा से बालों और स्किन के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि एलोवेरा का जूस पीने से आप कई बीमारियों से खुद का बचाव कर सकती हैं। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एलोवेरा का जूस जहर होता है। प्रेगनेंसी में एलोवेरा जूस लेने से आपको यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है जिससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने में एलोवेरा जूस का सेवन ना करें। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है पपीता। मिसकैरेज का कारण बनने वाली चीज़ों में पपीते का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हरा और अधपका पपीता ऐसे एंजाइम से भरा होता है जिसे खाने से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इससे मिसकैरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कंसीव करने के बाद शुरुआती 3 महीने में आपको हरा पपीता किसी भी हालत में नहीं खाना है। हाल ही में एक स्टडी हुई है, उसमें ये पाया गया है कि हरा या अधपका पपीता माइरिड एंजाइम और पस से भरा होता है जिससे यूट्रस में क्रैम्प्स पड़ते हैं और फिर आपको मिसकैरेज हो जाता है। तीसरी चीज़ है कच्चा अंडा। प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में कच्चा अंडा या इससे बनी किसी भी तरीके की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अंडे का सफ़ेद और पीला हिस्सा पकाने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन आपको अधपका अंडा खाने से बचना चाहिए। वो आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चौथी चीज़ है अनानास। ये बहुत स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अनानास खाती है या फिर उसका जूस पीती है तो उसका बच्चा पेट में ही मर सकता है। पांचवी चीज़ है सी फूड और फिश। फिश प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। प्रेग्नेंट महिला के लिए ये दोनों पोषक तत्व बहुत अच्छे होते हैं। मछली में और भी कई तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिक ही मात्रा में मरकरी होता है जो बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को सी फूड खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से सूजन, उल्टी या फिर दस्त का खतरा रहता है। अगर आपको फिर भी फिश या सी फूड खाने की क्रेविंग हो रही है तो इसे कम मात्रा में अच्छे से साफ करके और पका कर ही खाएं। छठी चीज़ है तिल के बीज। प्रेग्नेंट महिलाओं को पूरे 9 महीने में तिल के बीज ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसे शहद में मिलाकर खाने से मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। आप प्रेगनेंसी की 3री तिमाही में काले तिल के बीज खा सकती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। 7वीं चीज़ है ड्रमस्टिक की सब्जी यानी कि सहजन। विटामिनों, आयरनों और पोटेशियम से भरपूर सहजन बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसमें अल्फा सिटोस्टेरोल भी होता है जो आपके गर्भस्थ शिशु की जान ले सकता है। इस एस्ट्रोजन की वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए शुरुआत के 3 महीने में इसकी सब्जी या किसी भी तरह से इसका सेवन करने से बचें। 8वीं चीज़ है दूध। दूध को कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गर्भ में शिशु और प्रेग्नेंट महिलाओं की हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें एक बात का आपको सिर्फ खास ध्यान रखना है, कभी भी अनपेस्टराइज्ड दूध ना पिए। अनपेस्टराइज्ड मिल्क में बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा पैस्टराइज्ड दूध का ही सेवन करें और दूध को उबालकर ही पिएं। प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं। अगर ये 3 महीने ठीक तरीके से निकल जाए तो मिसकैरेज का खतरा बहुत कम रह जाता है। इसलिए इन 3 महीने में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।